संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है राम मंदिर को लेकर। मोहन भागवत ने कहा है कि राम मंदिर पर मौजूदा सरकार कानून बनाए। ये बयान संघ प्रमुख का है। विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख ने कहा कि राजनीति की वजह से मामला लगातार लंबा खिंचता चला गया है। सरकार बनने से हर काम नहीं हो जाता। बाबर ने किसी धर्म के लोगों को बख्शा नहीं। और कुल मिलाकर बात ये कि राम मंदिर पर कानून बनाए मौजूदा सरकार। हमारे स्वाभिमान को सदा के लिए कुचलने के लिए उस मंदिर को तोड़ा। अब पता चल गया कि वहां मंदिर है, नीचे है, सब सिद्ध हो चुका है, फिर भी न्यायालय में प्रकरण है और लंबा हो रहा है। अब कितना लंबा हो जाए भाई? हिंदू समाज तो कितने वर्षों से राह देख रहा है और लोग जानते हैं, सत्य भी जानते हैं। निर्णय तुरंत आ भी सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस पर राजनीति चलानी है, वो इसको लंबा करते हुए दिखाई देते हैं। राजनीतिक लोग हैं ये। राजनीति नहीं आती तो मंदिर कब का बन चुका होता? सहयोग से बनता, समन्वय से बनता, सबके सहयोग से बनता, लेकिन राजनीति आ गई बीच। और इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन के एक सहयोगी संगठन के नाते हम कहते हैं, नहीं, राम जन्मभूमि पर शीघ्रतापूर्वक राम मंदिर बनना चाहिए। ये ऐसे है। और इस प्रकरण को केवल लंबा करने के लिए जो हस्तक्षेप चले हैं, वो प्रकरण लंबा नहीं होना चाहिए, जल्दी निर्णय मिलना चाहिए। और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। इस मामले में हमारे संत महात्मा जो भी कदम उठाएंगे उसके साथ संघ है।